भी एक बॉक्स है, इस पे तो बिल्कुल मैंने इसको खोल दिया, मतलब इसकी मैंने अनबॉक्सिंग कर दिया। आप इसे खरीदना चाहें जाकर डेफिनेटली खरीद सकते हैं। प्राइस अगर आपको इसकी मिल जाती है कितना 1400-1500-1300 के आसपास में, तो डेफिनेटली ये उसके लायक है। इस पर प्राइस जो लिखा हुआ वो काफ़ी हाई फाई है। प्राइस इसकी प्राइस लिखा हुआ है इस पर 6999, मतलब कि 6999 रुपीज़। तो ये है इसका पूरा नाम जो है बोट एयरडॉप्स 161। हाँ, ये इसका नाम है और प्राइस मैंने बता दिया उतना मिल जाता है, आप ले सकते हैं एएससी के साथ में। और आज अनबॉक्सिंग जो करनी है इस वाले, अब ये फटा हुआ है क्योंकि ये ओबीडी है, मतलब कि अब फ्लिपकार्ट ने नया नियम निकाला है ओपन बॉक्स डिलीवरी वाला। तो अभी क्या हो रहा है ना कि जो प्रोडक्ट ये लोग दे रहे हैं वो प्रोडक्ट को खोल करके जो कूरियर मतलब डिलीवरी मैन है वो क्या कर रहा है, वो आ करके दिखा रहा है, जिसको हम विश मास्टर बोलते हैं, वो ला करके हमें खोल के दिखा रहे हैं इस चीज़ को। इस पर जो MRP लिखा हुआ प्रोडक्ट का वो 7999, मतलब कि कुल प्राइस जो है वो 8000 के आसपास प्राइस लिखा हुआ है, उतने का हमको नहीं पड़ा है। तो डेफिनेटली चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इस पर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इस पर जो लिखा हुआ है T800 अल्ट्रा स्पेस एलुमिनियम केस, अच्छा इसके अंदर में एलुमिनियम केस है, हाई वॉच प्रो। तो ये जो बिल्कुल इसका लुक है ये देखेगा किसके जैसा, एप्पल जैसा है ना। तो ये चीज़ है, ये कहेंगे इसको ना क्लोन, तो क्लोन वॉच है। स्मार्ट वॉच यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। हाँ, तो स्मार्ट वॉच ये है, ठीक है। और इधर में वही लिखा हुआ है T800 कुछ करके लिखा हुआ है ना, हाँ T800। तो ये चीज़ इस पर लिखा हुआ है। और 49mm इसका बेल्ट का साइज, चलिए इसको खोल लेते हैं, यहाँ से हमने खोल दिया इसको। ओके, इसमें खोलते ही मुझे क्या मिला, ये कुछ ऐसा बॉक्स मिला है ना, इसमें कुछ इसके इसमें बोलेंगे यूजर मैनुअल, जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है स्मार्ट वॉच यूजर मैनुअल, इसका पूरा मतलब यूजर मैनुअल है, कैसे आपको यूज़ करना है कैसे नहीं यूज़ करना है, कुछ सारा कुछ, और इसमें सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ओके, किससे क्या क्या होगा, सेंसर एरिया कहाँ पे है, NFC कहाँ पर दिया हुआ है, NFC फंक्शन, इसमें NFC फंक्शन हुआ है, मतलब ये काफ़ी अच्छी बात कि इसके अंदर में NFC फंक्शन का ऑप्शन दिखाया जा रहा है। हार्ट रेट मिल जाएगा, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मिल जाएगा, फिजिकल एक्टिविटी मिल जाएगी, स्लीप डिटेक्शन भी इसमें मिलेगा, कितना आप सो रहे हैं वो सब कुछ इसमें दिखेगा, ब्लूटूथ म्यूजिक भी इसमें मिल जाएगा देखने को आपको, साथ में इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग का भी ऑप्शन है, और इसके साथ में इसमें मोशन रिकॉर्ड भी है, जो आप दौड़ते हैं कुछ करते हैं, चार्ज योर वॉच यहाँ पर अच्छा खासा इसमें फीचर दिया हुआ है, ठीक है, फंक्शन इसमें सब कुछ दिया हुआ है, ऐप का नाम भी इसमें है, ऐप, अच्छा ऐप फंक्शन इंफॉर्मेशन, जो ऐप आप लोड करेंगे उसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, फिर उसका मोशन, स्लीप सेटअप, ये सब उसमें देखने को आपको मिल जाएगा। चलिए, तो ये था इस पर सब कुछ यहाँ पर मेंशन हुआ है, इसे आप रीड करना चाहते तो रीड कर सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा पूरा मेंशन कर दूँगा, तो वहाँ से आप रीड कर पाएंगे। चलिए, इसको हम बंद करते हैं अभी, इसको जो नहीं इसकी, अब हम निकालते रहे एक्टली। देखिए, ये हमारा बॉक्स है, बॉक्स में सबसे पहले तो क्या मिला था, यूजर मैनुअल मिला था, और साथ में ये बेल्ट की दो क्वालिटी है, बेल्ट है इस कलर का, और यहाँ पर हमारा वॉच, इस तरीके का हमें घड़ी देखने को मिला है, एक घड़ी मैंने ऑलरेडी वियर कर रखा है, वेगा वॉच, और साथ में ये वाली घड़ी है। तो इसमें हम देखते हैं बटन कितनी है, ओके, फेक बटन कोई नहीं है, तीनों बटन वर्किंग है, देखेंगे आप, यहाँ पर दो बटन मिल जाएंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, साथ में ये वाली बटन है। अब इन तीनों का फंक्शन क्या है वो हम जब करेंगे तो पता चल जाएगा हमको क्या क्या इनसे क्या क्या होगा, तो सारा कुछ। चलिए, तो इधर से हम इसको इधर से तो निकाल देते हैं, है ना, इधर से निकाल देना ये, इधर जो था नहीं, तो ये हमने निकाल दिया साइड से। ओके, इसमें ये लाइट क्या है पीछे की बॉडी, अच्छा मुझे लगा कि स्क्रू है, बट स्क्रू नहीं है, ये जितने कसे हुए हैं ये ऐसे डिजाइन है, मतलब इस तरह डिजाइन एक लग रहा है जैसे स्क्रू कसे हुए, लेकिन है नहीं ऐसा, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे स्पीकर दिया हुआ है साथ, देखिए सामने जो है ना ये स्पीकर है जहाँ साउंड आएगी, और इस साइड में जो यहाँ पर छोटा सा सुराख है उसमें क्या है, ये छोटे छोटे सुराख में माइक है। पहले यहाँ से हम इसको चालू करते हैं, देखते हैं क्या होता है, अभी ये बात चालू होती नहीं होती है वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है बैटरी बिल्कुल इसकी डिस्चार्ज हो तो चालू नहीं होगा, तो हमें देखना है, चालू इससे तो होता है बड़े वाले से, बट चालू नहीं हुआ यानी कि इसकी बैटरी जो है वो बिल्कुल डिस्चार्ज है, तो हमें इसे अभी चार्ज मिलाना पड़ेगा और चार्ज मिला के चेकआउट करना पड़ेगा कि ये चालू हो रही होती है कि नहीं। तो फटाफट से हम इसको चालू करते हैं, मतलब चार्ज में लगाते हैं, उसके बाद से चेक करते हैं चालू होती है कि नहीं। यहाँ पे एक वायरलेस चार्जर, इसमें कोई भी कनेक्टिविटी या कुछ भी नहीं है, बस इसको क्या करना है, इस पर रख देना है ना, इस पर रख देंगे तो क्या होगा, ये चार्ज होना चालू हो जाएगा ऐसे।
चिपकने वाला कुछ मैग्नेटिक सिस्टम नहीं, हल्का सा चिपक रहा है, ज़्यादा मैग्नेट वाला सिस्टम नहीं, देखिए छोड़ दे रहा है ऐसे, ये नहीं बहुत ज़्यादा मैग्नेट है लेकिन हाँ चिपक रहा है ऐसे, छोड़ेंगे तो छोड़ जाएगा। चलिए तो हम इसको फटाफट से चार्ज में लगाते हैं, फिर चेक करते हैं ये चार्ज हो रहा है या नहीं। तो हमें इसको चेक करना पड़ेगा फटाफट से लगा के, फिर हम देखते हैं, फिर आपको बताते भी हैं कि चार्ज हो रहा है कि नहीं और चालू है कि नहीं ये वॉच। ओके तो कुछ देर बाद फिर मिलते हैं। अगेन फ्रेंड मैंने लगा दिया चार्ज में, जैसे मैंने लगाया ये तुरंत शो कर दिया कि चालू हो गया। तो देखिए यहाँ पे आपका ये चालू हो चुका है और कुछ दिखा रहा है टाइमिंग चार्जिंग होना चालू होगा, मतलब बैटरी बिल्कुल इसकी ख़त्म है तो यहाँ पे दिखा रहा है। इसको दबाने पे क्या कर रहे, चालू चालू होगा नहीं, तो ये जो बटन है ना, ये जो क्राउन बटन है ये दबाएंगे तो यहाँ पर दिखाएगा। अब ये चार्जिंग हो रहा है कुछ देर, इसको हम चार्ज होने देते हैं, उसके बाद से फिर आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। ओके तो ये वाला तो लग गया बेल्ट, अब इस वाले साइड को मुझे लगाना है, तो इस साइड को मैं लगा देता हूँ। बस इसको यहाँ से लगाना है और यहाँ पे लाल डाल करके और ऐसे इसको बस लाइट कर देना है, क्या हो जाएगा अंदर चला जाएगा आराम से, देख रहे हैं। जैसे मैंने इसको भी स्लाइड किया, सेम कंडीशन आपको स्लाइड करना है टाइटली, थोड़ा सा पहली बार में थोड़ा सा एनर्जी लगता है कि पावर लगता है आपकी ताकत, इसको हम कहते हैं बल है ना, वो लगाना आपको हो जाएगा। तो ये चला गया अच्छे से, ये मैंने लगा दिया और इसको अभी निकालते हैं और इसको हम पहन के देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी लग रही है हाथ में। ये चीज़ है, शुरुआत में पहनने में बहुत दिक्कत करेगा, फर्स्ट टाइम क्योंकि बेल्ट इसका भी एक बार पहना नहीं गया तो बेल्ट वैसे का वैसे इसलिए दिक्कत कर रहा है ना। तो फिर इसको हम थोड़ा सा पहन के आपको दिखाते हैं कैसा ये पहनने में लगेगा। बेल्ट की क्वालिटी की बात करें तो बेल्ट तो उतना मुझे सही नहीं लगा, लेकिन फिर भी ठीक है, पहनेंगे तो हाथ में से मुझे, मतलब मेटल के बेल्ट थोड़े अच्छे लगते हैं, बात ये है और कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसको कभी इस पर सब में किसी में सुराख ही नहीं किया, वो अच्छा ऐसी बात है कि इसका जो भी है ना ये सब बिल्कुल पैक है, जिस साइज़ पे हमें पसंद आएगा उस साइज़ को हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पर्सनली सुराख करना पड़ेगा, यानी कि बेल्ट में जो छेद जिसको कहते हैं ना वो खुद ही करना पड़ेगा, हमने कर दिया। तो ऐसे करके आपको खुद ही ये काम करना पड़ेगा, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये पैक हो जाएगा। चलिए तो ये तो हो गया हमारे हाथ में, पहन लिया मैंने घड़ी को, ठीक है। अभी हम देखते हैं राइज टू वेकअप का ऑप्शन है कि नहीं इसमें, नहीं, ये जो है ना राइज टू वेकअप ये एप्लीकेशन से सेटअप करना पड़ेगा, तो वो चीज़ एप्लीकेशन जब इसका आप यूज करेंगे तो आपको सब कुछ यूज करना इसमें आ जाएगा, एप्लीकेशन में सब दिया हुआ है। अब वहाँ से मैं इसको चला करके सब कुछ सेटअप करूँगा। बाकी फर्स्ट लुक में तो घड़ी अच्छी लग रही है, आप इसे लेना चाहें डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। प्राइस कितनी रहेगी तो आप अगर चेकआउट करेगा लिंक दूंगा, जितनी प्राइस है उस हिसाब से आप बाय कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो प्राइस, क्योंकि ये एप्पल वाले लुक की है बट है नहीं कॉलो क्लोन है, उस हिसाब से आप देखिएगा कैसा आपको प्राइस इसका सही लगता है, सबसे बाय करिएगा। मैं इसका लिंक जरूर दे दूंगा कि क्या लिंक इसका है, तो वो चीज़। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तो टेक केयर, जय हिंद वंदे मातरम, एंड चैनल पर नए तो डेफिनेटली सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके बाय बाय।